हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 9th बीहाइव का लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं और जिसका नाम है इफ आई वर यू। देखो सबसे पहले जो टाइटल है यानी जो चैप्टर का नाम है इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होता, यानी कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, कुछ अजीब सा टाइटल है जो कि अब हमें पता चलेगा स्टोरी पढ़ने के बाद कि क्यों है ये अजीब सा टाइटल। तो चलिए पढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, गिराड लिव्स अलोन इन अ लोनली कॉटेज। अब गिराड जो है वो एक इंसान का नाम है जो एक अकेला रहता है अपने छोटे से घर में, कॉटेज में। एन इंट्रूडर हु इज अ क्रिमिनल एंटर्स हिज कॉटेज। एन इंट्रूडर होता है घुसपैठिया, मतलब कोई अचानक से कोई क्रिमिनल, कोई घुसपैठिया आ जाता है उसके घर में। और ही इंटेंड्स टू मर्डर गिराड एंड टेक ऑन हिज आइडेंटिटी। और वो जो इंट्रूडर है, जो घुसपैठिया आया उसके घर में, वो क्या सोचता है कि मैं इसे मार के, यानी कि गिराड के घर में जिसके घर में वो आया है, वो क्या सोचता है कि मैं इसे मार दूं और इसे मार के खुद इसकी आइडेंटिटी ले लूं, मतलब इसके नाम से अपना जीवन जीने लगूं, तो लोगों को लगेगा कि ये तो भैया गिराड है, ये तो क्रिमिनल है ही नहीं। ऐसा आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा किसी में, कि जो क्रिमिनल है वो सोचता है कि मैं दूसरे को मार के खुद उसकी आइडेंटिटी ले लूं, मतलब खुद उसका नाम यूज करूंगा और सबको दिखाऊंगा मैं तो वो हूं। जिससे डज ही सक्सीड, क्या वो सफल हो पाता है, अब हमें ये चीज पता चलेगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं गिराड कौन है। चलिए एक डायग्राम देखते हैं सबसे पहले, फिर मैं स्टोरी शुरू करूंगा। यहाँ देखिए, ये जो चश्मा लगा के जो बैग के पास खड़े हैं पर्सन, ठीक है, ये तो है गिराड। और पीछे आप देख रहे हैं जिनके हाथ में रिवॉल्वर लगी हुई है, बंदूक लगी हुई है, ये इंट्रूडर है जो कि इनके घर में आ गए हैं। चलिए अब हम देखते हैं आखिर हुआ क्या इसमें, शुरू करते हैं सीन। अब ये जो है ये प्ले की फॉर्म में है, तो पहला जो सीन है क्या दिखाया हुआ है, अ स्मॉल कॉटेज इंटीरियर, छोटा सा बिल्कुल घर का इंटीरियर, मतलब अंदर का हिस्सा है। देयर इज एन एंट्रेंस बैक राइट, जिस मतलब पीछे से राइट की साइड से एक एंट्रेंस है, विच मे बी कर्टेन, जिसपे क्या नाम है, पर्दा डाला जा सकता है। ये विच मे बी कर्टेन, इसका मतलब है कि क्योंकि ये प्ले की फॉर्म में है, किसकी फॉर्म में, प्ले। जब आपने देखा होगा प्ले करते हैं तो कर्टेन खुलता है, जैसे रामलीला होती है हम लोगों के यहाँ पे, तो पर्दा खुलता है, तो हम देखते हैं सीता जी, हनुमान या जो भी है, तो पर्दा खुल। अनदर डोर इज द लेफ्ट मस्ट बी अ प्रैक्टिकल डोर, और लेफ्ट साइड में, दूसरी साइड में एक और दरवाजा है। प्रैक्टिकल डोर का मतलब है जिसका यूज होता है आने जाने में के लिए। द फर्नीचर इज सिंपल, सिंपल सा कोई फर्नीचर, टेबल वगैरह पड़ी हुई है, कंसिस्टिंग ऑफ ए स्मॉल टेबल टूवर्ड्स द लेफ्ट, और लेफ्ट की साइड में क्या पड़ी हुई है, एक मेज पड़ी हुई है, अ चेयर और टू, एक या दो कुर्सियां पड़ी हुई हैं, एंड अ दीवान रेदर अप स्टेज ऑन द राइट, और राइट यानी सीधी साइड में एक दीवान। दीवान होता है एक सिंगल बेड, देखा होगा आपने लोगों के, जैसे घर में घुसते हैं तो एक बेड होता है जो कि सिंगल बेड होता है, थोड़ा बड़ा सा, अच्छा सा सजा के रखते हैं लोग उसे, उसे दीवान बोलते हैं। ऑन द टेबल इज अ टेलीफोन, और एक टेलीफोन रखा हुआ है टेबल पर। When the curtain rises, जैसे यानी कि जैसे कोई मूवी शुरू हुई, तो मूवी का जो पहला सीन है, उस पहले मूवी के सीन में दिखाया जा रहा है या प्ले में दिखाया जा रहा है, Gerard is standing by the table making a phone call। पहले ही मूवी के सीन में क्या दिखाया जाता है कि एक आदमी जिसका नाम गिराड है, वो खड़ा हुआ है फोन के पास और फोन कॉल लगा रहा है। He is of medium height and wearing horn-rimmed glasses। वो मीडियम हाइट का है, ना तो बहुत ज्यादा छोटी है उसकी हाइट, ना बहुत ज्यादा लंबा है, बस मीडियम हाइट का है, और उसने हॉर्न रिम्ड ग्लासेस पहने हुए हैं, मतलब जो उसने जो चश्मा लगाया हुआ है एक तरह का। ही इज ड्रेस्ड इन अ लाउंज सूट एंड अ ग्रेट कोट, और उसने सूट पहना हुआ है और एक कोट पहना हुआ है। हिज वॉइस इज कल्चर्ड, और कल्चर्ड का मतलब है कि मतलब उसके बात करने के तरीके से पता चल रहा है कि वो एक पढ़ा लिखा इंसान है गिराड। अब देखो पहला सीन, वो क्या बात कर रहा है फोन के ऊपर, वेल टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली, उनसे कहना मुझे डायरेक्ट फोन कर लें, आई मस्ट नो, मुझे पता होना चाहिए। यस आई एक्सपेक्ट आई स्टिल बी हियर, मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ तक आ जाऊँगा, बट यू मस्ट नॉट काउंट ऑन दैट, लेकिन वो इस बात पर पूरा भरोसा मत करो कि ऐसा हो भी सकता है। इन अबाउट 10 मिनट्स टाइम, राइट हो, गुड बाय, हाँ हाँ 10 मिनट में हो जाएगा, ठीक है, ओके ओके, बाय बाय बाय। अब आपको ये लगेगा कि यार ये समझ नहीं आ रहा, ये समझ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि जो गिराड है वो फोन पे बात कर रहा है, तो हमें गिराड जो कह रहा है किसी सामने वाले से वो तो हमें पता चल रहा है, लेकिन वो सामने से क्या बात कर रहा है वो अब वो हमें नहीं पता चल रहा। ही पुश डाउन द फोन एंड गोज टू द दीवान ऑन द लेफ्ट, वो फोन रख देता है और दीवान के पास जाता है लेफ्ट साइड में, वेयर देयर इज अ ट्रेवलिंग बैग एंड स्टार्ट्स पैकिंग, और वहां पे क्या पड़ा हुआ है, एक ट्रेवलिंग बैग पड़ा हुआ है, मतलब जब हम कहीं पे जाते होते हैं तो
पैकिंग वगैरह करते हैं ना, तो जब पैकिंग करते हैं तो वो पैकिंग कहीं जाने के लिए रेडी हो रहा है और पैकिंग करना शुरू करता है। व्हाइल्स ही इज दस एंगेज्ड, अनदर मैन सिमिलर इन बिल्ड टू गिराड एंटर्स फ्रॉम द राइट साइलेंटली। जब वो ये सब कर ही रहा होता है, कौन ये सब पैकिंग वगैरह में बिजी होता है, तभी उसी के जैसा दिखने वाला इंसान, मतलब उसी का मतलब शक्ल ऐसी नहीं है लेकिन मतलब हट्टा कट्टा जो है उस वैसी ही हाइट वाला, वैसी ही हर चीज उसकी, वो वहां से एक और दूसरा इंसान एंटर करता है। कहाँ से? फ्रॉम द राइट, सीधी साइड से, साइलेंटली, धीरे धीरे, रिवॉल्वर इन हिन हैंड। और उसके हाथ में क्या लगी हुई है? रिवॉल्वर है। तो देखो ये थोड़ी सी क्या नाम है, अंडरस्टूड वाली बात है। जो भी भैया चोर चुटक्का होगा, जो क्रिमिनल होगा, तो वो चाकू छुरी या रिवॉल्वर वगैरह रखेगा, तो वो भी ले गया है। ही इज फ्लैशली ड्रेस्ड इन एन ओवर कोट एंड ए सॉफ्ट हैट। और उसने क्या पहना हुआ है, जो अब आया है चोर या क्रिमिनल, कह लो इंट्रूडर, उसने एक ओवर कोट पहना हुआ है और एक हैट लगाई हुई है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो हैट लगाई हुई है यहाँ पे, इसके हाथ में गन भी है, और जो गिराड है वो बैक पैक कर रहा है, आपको दिख रहा होगा इस साइड में, और जो इंट्रूडर निकल के आया है उसके हाथ में एक गन लगी हुई है और उसने हैट भी लगाई हुई है, यानी टोपी लगाई हुई है। चलिए, ही बम्प्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल एंड द साउंड गिराड टर्न्स क्विकली। अब अचानक से ये जो पर्सन घुस के आया है उसका जो वो टकरा जाता है टेबल से, और जैसी टेबल से टकराता है तो आवाज होती है, और उस आवाज की वजह से गिराड पीछे मुड़ के देखता है, यार यहाँ पे कौन आ गया। गिराड प्लीजेंटली, व्हाई दिस इज सरप्राइज मिस्टर ईआर, मतलब मिस्टर। अब गिराड पीछे की तरफ देखता है, अब यूजुअली कोई आम आदमी होगा तो वो तो डर जाएगा, लेकिन जो गिराड है वो डरता नहीं है और ऐसे कहता है, अरे भैया कौन हो, क्या सरप्राइज है मिस्टर। इंट्रूडर, आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी, आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज टू फॉलो ऑन, पुट दोज पॉज अप। इंट्रूडर भी कहता है, ओहो बहुत खुशी हुई भाई साहब, मुझे देख के आप खुश हुए, पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ किसी चोर चुटक्को को देख के कोई आदमी खुश हो रहा हो। तो मतलब इंट्रूडर कहता है, मुझे देख के पहली बार किसी को खुशी हुई है। पर वो कहता है, तुम बेटे ज्यादा देर तक खुश नहीं हो पाओगे, पुट दोज पॉज अप। अब ये जो पॉज आया, पॉज का मतलब है हाथ, अपने हाथ ऊपर कर लो, हैंड्स अप। गिराड, दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामिक, नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स, बट। अब गिराड पता नहीं, गिराड कहता है, यार इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो, ये ओरिजिनल नहीं लग रहा क्या, ड्रामा कर रहे हो तो भैया बंद कर दो। मतलब अभी गिराड मान नहीं रहा कि ये क्रिमिनल है, या मतलब गिराड क्या कर रहा है कि पूरी तरह से एक अजीब सी सिचुएशन में काम रहने की कोशिश कर रहा है, शांत रहने की कोशिश कर रहा है, घबरा नहीं रहा। इंट्रूडर ट्राइंग टू बी काम एंड मिस्टर, अब इंट्रूडर कहता है, मैं काम होने की कोशिश कर रहा हूँ, और मतलब मैं शांत रहने की कोशिश कर रहा हूँ। गिराड, नॉन शैलेंट इज योर वर्ड, तुम ये कहना चाहते हो नॉन शैलेंट, ठीक है, काम, नॉन शैलेंट का मतलब होता है काम या रिलैक्स्ड, आई थिंक ये कहना चाहते हो। इंट्रूडर, थैंक्स अलॉट, हाँ हाँ यही, बहुत बहुत धन्यवाद, यू विल सून स्टॉप बींग स्मार्ट। बेटे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये जो जितना होशियार बनना है ना बेटे, तू ये तू थोड़ी थोड़े टाइम तक ही रह पाएगा, ज्यादा टाइम तक नहीं। I'll make you crawl. Crawl का मतलब होता है वैसे रेंगना, क्योंकि मैं तो, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है जिसके हाथ में बंदूक है उसकी चलेगी, तो वो कह रहा है आई विल मेक यू क्रॉल, मैं बेटे तुझे रेंगवा दूंगा। आई वॉन्ट यू टू नो अ फ्यू थिंग्स, सी अब सुन, ज्यादा खुश मत हो, मैं ये चाहता हूँ कि तुझे कुछ चीजें पता चल जाएं। कौन कह रहा है ये? ये इंट्रूडर कह रहा है गिराड से। क्या कहता है अब देखो, गिराड, एनीथिंग यू लाइक, आई नो ऑल द आंसर्स, बट बिफोर वी बिगिन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन, यू मे बी कंफर्टेबल बट आई एम नॉट। अब गिराड कहता, हाँ हाँ सर क्यों नहीं, कुछ भी पूछो, आई नो ऑल द आंसर, मुझे सब चीज पता है, बट बिफोर वी बिगिन, हम यार देखो ऐसा है कोई भी बातचीत करें हम, आई शुड लाइक, भैया मैं अपनी पोजिशन तो बदल लूँ यार, तुमने मेरे हाथ ऊपर करवाए हुए हैं यार, बड़ा दर्द हो रहा है, यू मे बी कंफर्टेबल बट आई, भाई तू तो कंफर्टेबल है, मैं कोई कंफर्टेबल नहीं हूँ। इंट्रूडर, सिट डाउन देयर। अब इंट्रूडर कहता है, अच्छा ऐसी बात है, चल बैठ जाता हूँ, यहाँ पे बैठ जा तू, एंड नो फनी बिजनेस। नो फनी बिजनेस का मतलब साले ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करिए, खोपड़ी उड़ा दूंगा। मतलब नो फनी बिजनेस का मतलब है कि मेरे हाथ में गन है, अगर तूने जरा सी भी होशियारी दिखाई। मोशंस टू अ चेयर एंड सीट्स हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाय द बैग। और वो मतलब जो इंट्रूडर है वो उसे दिखाता है कि उस चेयर पर बैठ जा, उसकी तरफ इशारा करता है और खुद बैठ जाता है एक दीवान पे, यानी कि बैग के सहारे वो जो बेड है। Now then we will have a nice little talk about yourself. अब इंट्रूडर कहता, हाँ अब हम तुम्हारे बारे में कुछ बातें करेंगे बेटे, अब बताओ। गिराड, at last a sympathetic audience, I'll tell you
द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, हाउ एज अ चाइल्ड आई वॉज स्टोलन बाई द जिप्सीज एंड वाई एट द एज ऑफ 32 आई फाइंड माई सेल्फ इन माई लोनली एसेक्स कॉटेज हाउ। अब वो कहता है एट लास्ट अ सिंपैथेटिक, हाँ थैंक यू भैया तुम्हारे अंदर बहुत दया है, क्योंकि उसने उसे बैठने के लिए कह दिया ना, तो उसे कह रहा सिंपैथेटिक ऑडियंस है, आई टेल यू द स्टोरी। अब वो कहता है हाँ ठीक है मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताता हूँ, जब मैं एक छोटा बच्चा था तो मुझे चुरा लिया था जिप्सीज ने। जिप्सीज होते हैं वो खाना बदोश होते हैं जो इधर से उधर घूमते रहते हैं, जिनका कोई परमानेंट घर नहीं होता। और वो कहता है कि और मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि 32 साल की एज में मैं अकेला क्यों रहता हूँ इस अपनी इस कॉटेज में, इस छोटे से घर में। इंट्रूडर Keep it to yourself and just answer my question. Intruder कहता है वो जो criminal आया, ओ भैया मुझे तेरी बकवास नहीं सुननी, साले यहाँ बकवास सुनने आए हैं क्या तेरी? Just answer my question, जो मैं पूछ रहा हूँ बस वो बता। You live here alone, well do you? तुम यहाँ अकेले रहते हो ना, अकेले रहते हो ना? Girard, I'm sorry, I thought you were telling me, not asking me. अब Girard कहता है सर आप, मैं अकेला रहता हूँ या नहीं रहता तुम मुझे बता रहे हो या मुझसे पूछ रहे हो? A question of inflection, your voice is unfamiliar. अब इन्फ्लेक्शन होता है जैसे किसी के बोलने के तरीके से पता चल जाता है कि वो हमें कोई बात बता रहा है या हमसे पूछ रहा है। जैसे जैसे मैंने किसी को कहा खाना खा लिया, देखो खाना खा लिया, तो अब पता चल रहा है कि मैं उससे पूछना चाह रहा हूँ कि भैया तूने खाना खाया है या नहीं, तो मेरा तरीका ठीक है। और अगर मैं उससे कहूँ कि हाँ भाई खाना खा लिया था, बोले तुमने खाना खा लिया था, तो अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि उसने खाना खा लिया, मतलब बोलने के, तब वो कंफ्यूज हो रहा है कौन, Girard की भैया तुम पूछ रहे हो या बता रहे हो। Girard कहता आई एम सॉरी आई थॉट यू वर टेलिंग मी नॉट आस्किंग मी, अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन, योर वॉइस इज अनफेमिलियर, तुम्हारी आवाज भी कुछ जानी पहचानी सी नहीं लग रही। इंट्रूडर विद एम्फेसिस, डू यू लिव हियर अलोन, अरे भैया ये बता दे तू यहाँ अकेला रहता है क्या? Girard, एंड इफ आई डोंट आंसर, और अगर मैं तुम्हारी बात का जवाब ना दूं तो क्या कर लोगे? इंट्रूडर, You have got enough sense not to want to get hurt. Intruder कहता है अरे मुझे लगता है कि तुम इतने चूतिया भी नहीं हो बेटे, क्योंकि तुम्हें पता है मेरे हाथ में गन है, अगर तुमने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया तो उड़ा देंगे तुम्हारी खोपड़िया। Girard, I think good sense is shown more in the ability to avoid pain than in mere desire to do so. What do you think, Mr. Ear? अब Girard कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो अच्छा दिमाग होता है, जो अच्छी एबिलिटी है, वो हर ये चाहती है कि गुड सेंस इज शोन इन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन। भाई कोई भी इंसान चाहता है क्या कि उसे दर्द हो? कोई नहीं चाहता कि उसे दर्द हो। और तो वो कहता है कि एबिलिटी टू अवॉइड पेन, मैं भी नहीं चाहता कि मुझे दर्द हो और मेरी कोई ऐसी इच्छा भी नहीं है। वॉट डू यू थिंक, और आपको क्या लगता है? इंट्रूडर, नेवर माइंड माई नेम। वो देखो मिस्टर ER कह रहा है, मतलब वो उसे नाम जाना चाहता है, मिस्टर। तो इंट्रूडर कहता है नेवर माइंड, अब भैया मेरे नाम का क्या करेगा तू, अचार डालेगा क्या? आई लाइक योर्स बेटर मिस्टर Girard, मुझे तुम्हारा ही नाम पसंद है मिस्टर Girard। तो यहाँ पे देखो क्रिमिनल क्या कर रहा है, क्रिमिनल अपने बारे में उसे कोई क्लू देना नहीं चाहता कि उसका नाम क्या है, लेकिन Girard क्या चाह रहा है कि बातों बातों में वो उससे उसका नाम उगलवा ले। वॉट्स योर क्रिश्चियन नेम्स, तुम्हारा क्रिश्चियन नेम क्या है? इंट्रूडर पूछता है उससे कि तुम्हारा क्रिश्चियन नेम क्या है। अब देखो क्रिश्चियन नेम ये चीज समझने वाली है, जनरली हमारे यहाँ क्या होता है इंडिया में या हिंदूज में क्या होता है कि हमारे यहाँ कोई जैसे बेबी बच्चा हुआ तो पंडित जी आएंगे उसका नाम रखेंगे कि इसका नाम क पे रख लो, ल पे रख लो। अब इन क्रिश्चियंस के यहाँ होता है कोई प्रथा होती है बैप्टिज्म वाली, उसमें क्या करते हैं जो फादर वगैरह होते हैं वो उनका नाम वगैरह रखते हैं। तो जो फर्स्ट नेम है क्रिश्चियन नेम, वो तुम्हारा नाम क्या है? तो Girard बताता है विंसेंट चार्ल्स, मेरा जो फर्स्ट नेम है वो क्या है? विंसेंट चार्ल्स। इंट्रूडर, डू यू रन अ कार, तुम्हारे पास भैया कोई कारवार है, गाड़ी है? Girard, नो, नहीं मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। इंट्रूडर, दैट्स अ लाई, अबे झूठ बोल रहे हो तुम, यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल, अबे मैं चूतिया लग रहा हूँ क्या, पागल हूँ क्या मैं? आई एम एज स्मार्ट एज यू स्मार्टर एंड आई नो यू रन अ कार, अबे भैया अगर मैं तेरे घर में आ गया बेटे तुझे बिना बताए और पीछे से घुस आया तो तुम मुझे पागल समझते हो क्या? मैं भी उतना ही चालाक हूँ जितने की तुम, बेटर बी केयरफुल वाइज गए, और बेटे केयरफुल रहे, ज्यादा शान पत्ती मत देखा, ज्यादा चालू बनने की कोशिश करेगा उड़ा दूंगा अभी। Girard, आर यू अमेरिकन और इज दैट मेयरली अ क्लेवर इमिटेशन? अब Girard कहता है तुम अमेरिकन हो या अमेरिकन बनने का इमिटेशन मतलब होता है एक नकल, या नकल कर रहे हो वैसी बनने की। इंट्रूडर, लिसन, दिस गन इज नो टॉय, आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू एंड स्टिल गेट माई आंसर।
इंट्रूडर कहता है, अबे यार ये पागलपंती छोड़ दे, ये गन देख रहा है घोड़ा, दबा दिया तो अभी हो जाएगा तेरा काम। भाई ये खिलौना लग रहा है क्या तुझे? मुझे जो बातें मैं पूछ रहा हूँ वो वैसी बता दे, क्या फायदा मैं इस गन का यूज करूँ तुझे हर्ट करूँ। गिराड, ऑफ कोर्स इफ यू पुट इट लाइक दैट आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू। अब वो कहता है, नहीं 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 सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बताओ आपको क्या पूछना है। असिस्ट का मतलब होता है हेल्प करूंगा मैं आपकी। आई डू पजेस अ कार, हाँ हाँ मेरे पास एक कार है, एंड इट्स इन द गैराज राउंड द कॉर्नर, और वो जो कॉर्नर में गैराज है मेरी उसमें कार खड़ी हुई है। इंट्रूडर, दैट्स बेटर, डू पीपल ऑफन कम आउट हियर? हाँ दैट्स बेटर का मतलब है, अब वो कहता है ये हुई ना बात, अब भी तो आया बेटे लाइन पे। अब वो उससे पूछता है, इंट्रूडर पूछता है, लोग यहाँ पे आते रहते हैं क्या? गिराड, वेरी रेयरली, सरप्राइजिंगली वेरी फ्यू पीपल टेक द ट्रिबल टू विजिट मी। कह रहा है, नहीं यार बहुत ना के बराबर लोग आते हैं, बहुत ना के बराबर लोग नहीं आते यहाँ पे। मतलब देयर इज द बेकर एंड द ग्रीन ग्रोसर ऑफ कोर्स, एंड देयर इज द मिल्कमैन, क्वाइट चार्मिंग, बट नो वन इज सो इंटरेस्टिंग एज योरसेल्फ। और जो लोग आते भी हैं वो बस एक तो बेकरी वाला है, बेकर है, बेकर आप जानते हैं जो कुछ खाना वगैरह या कुछ बिस्किट्स वगैरह जो बनाते हैं, बेकरी। ग्रीन ग्रोसर है, कोई सब्जियां वगैरह देने वाला है, और एक दूध वाला है, वो कभी आ जाए तो आ जाए, नहीं तो कोई नहीं आता। हाँ लेकिन तुम्हारे जैसा इंटरेस्टिंग पर्सन अब तक यहाँ पे नहीं आया। मतलब देखो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, गिराड कहीं ना कहीं उस पर्सन को जो क्रिमिनल है, जिसके हाथ में गन लगी हुई है, बातों में लगा रहा है, उसे डिले कर रहा है किसी ना किसी तरह से, और वो डर डर नहीं रहा। इंट्रूडर, आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी रिच पीपल। अब इंट्रूडर कहता है, मुझे पता चला है कि तुम जो छोटे मोटे बिजनेस करने वाले लोग हैं उनसे कभी मिलते नहीं हो, ट्रेड पीपल से। गिराड, यू सीम टू हैव टेकन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल सिंस यू नो सो मच अबाउट मी, वॉन्ट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, यू हैव बीन सो मॉडेस्ट। अब गिराड कहता है, यार भाई साहब तुमने इतनी परेशानी की ली, मतलब तुम ऐसा लगता है तुम्हारा, जिस तरह से तुम मुझे बता रहे हो कि तुमने मेरी पूरी जांच पड़ताल कर रखी है, तुम्हें लगभग सब कुछ मेरे बारे में पता हो, फिर भी मेरे बारे में पूछे जा रहे हो, तो अब तुम कुछ अपने बारे में नहीं बताओगे क्या? यू हैव बीन सो मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब वैसे तो होता है पोलाइट, विनम्र, कि मतलब अब तक तुम मेरी मेरी बातें कर रहे हो, अपनी बात नहीं कर रहे, अपने बारे में कुछ बताइए। इंट्रूडर, आई कुड टेल यू प्लेंटी, यू थिंक यू आर स्मार्ट, बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हियर, आई हैव गॉट ब्रेन्स एंड आई यूज देम, दैट्स हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव। अब वो इंट्रूडर कहता है, जो क्रिमिनल है, बेटे तुझे बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन तुझे क्या लग रहा है बेटे, तू ज्यादा चालू बनने की कोशिश कर रहा है क्या? अगर तू चालू है ना तो मैं यहाँ तेरे से डबल चालू हूँ, ठीक है? आई एम मोर क्लेवर देन यू, आई हैव गॉट द ब्रेन्स, दिमाग है मेरे पास, एंड आई यूज देम, और इसलिए मैं यहाँ पे आ पहुंचा हूँ। गिराड, एंड वेयर प्रिसाइजली हैव यू गॉट? इट डिडंट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इन टू माई लिटिल कॉटेज। अब एक जो गिराड है थोड़े से फनी फनी तरीके से जवाब दे रहा है, अच्छा भाई साहब आप ये कहना चाहते हो कि आप इतने दिमाग वाले हो कि मेरी कुटिया के अंदर, यानी मेरी इस छोटी सी कॉटेज के अंदर आप आ गए? मुझे तो लगता नहीं है कि यार मेरे घर में आने के लिए इतना दिमाग लगाने की जरूरत है क्या। इंट्रूडर, व्हेन यू नो व्हाई आई हैव ब्रोकन इनटू योर लिटिल कॉटेज, यू विल बी सरप्राइज्ड एंड इट वॉन्ट बी अ प्लीजेंट सरप्राइज। बेटे अभी जो ये तेरी चोंच चल रही है ना, कह 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 कह, अगर जैसे अभी मैं तुझे बताऊंगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, ठीक है, एक तो तू बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाएगा और तुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं क्यों आया हूँ। गिराड, विद यू फिगरिंग सो लार्जली इन इट, That's understandable. By the way, what particular line of crime do you embrace, or aren't you a specialist? अब वो कहता है, विद यू फिगरिंग सो लार्जली इन इट, दैट्स अंडरस्टेबल, ठीक है मैं तुम्हें फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है समझ में भी आ रहा है कि भैया तुम क्रिमिनल हो, लेकिन मुझे बताओगे थोड़ा सा किस तरह का क्राइम करते हो तुम, या तुम स्पेशलिस्ट हो? अब देखो कुछ लोग होते हैं हर तरह का क्राइम करते हैं, जब उन्हें मिली चोरी कर ली चोरी कर ली, किसी का मोबाइल चुरा लिया, किसी की चेन खींच ली, कुछ कर लिया, और कुछ होते हैं उसमें भी स्पेशलिस्ट होते हैं कि वो केवल किलर है, वो केवल गोली मारते हैं, कुछ होते हैं केवल मोबाइल चोर होते हैं। तो वो पूछना चाह रहा है कि भैया तुम किस तरह के क्राइम करते हो, कोई स्पेशलिस्ट हो क्या? इंट्रूडर, माय स्पेशलिटी इज ज्यूल रॉबरी, योर कार विल डू मी अ ट्रीट, इट्स सर्टेनली अ डैंडी बस। अब इंट्रूडर कहता है कि मैं, मेरी स्पेशलिटी है मैं केवल ज्वेलरी चुराता हूँ, मतलब ज्वेलरी क्या होती है, नेकलेस हो गया, डायमंड हो गया, रूबी हो गया, है ना, जो रत्न आभूषण, गोल्ड हो गया, चांदी हो गई, सोना हो गया, ये सब चुराता हूँ मैं केवल। एंड योर कार विल डू मी अ ट्रीट, और कहीं ना कहीं तुम्हारी जो कार है ना वो मेरे लिए ट्रीट का काम करेगी, बढ़िया काम करेगी, इट्स सर्टेनली अ डेंडी बस, और जो तुम्हारी जो कार है मुझे पता है वो बहुत अच्छी बस है। डेंडी का मतलब स्टाइलिश सी, बड़ी जबरदस्त कार है। इंट्रूडर, हाँ अब गिराड, आई एम अफ्रेड जूल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स। अब एसेक्स जो है जगह का नाम है,
तो गिराड कहता है, यार मुझे चल ठीक है तू यार ये सब चुराता है, लेकिन भाई एसेक्स में तेरे लिए क्या रखा है, इस जगह पे यहाँ पे कौन से रत्न रखे हैं? इंट्रूडर, सो आर द कॉप्स, आई कैन रिटायर हियर नाइसली फॉर अ लिटिल वाइल। अब इंट्रूडर कहता है, अरे मुझे पता है बेटे यहाँ पे कोई रत्न नहीं है, यहाँ कोई आभूषण नहीं है मेरे चुराने के लिए, लेकिन यहाँ पे एक और फायदा है, जिस तरह से यहाँ पे ज्वेलरी नहीं है तो यहाँ पे कॉप्स, यहाँ पे पुलिस वाले भी तो नहीं आते, तो यहाँ पे मैं आराम से अपना जीवन बिता सकता हूँ, रेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे कोई डर नहीं है किसी के पकड़े जाने का। गिराड, यू मीन टू लिव विद मी? अ ट्रिपल सडन, इजंट यू? यू हैव नॉट बीन इन्वाइटेड। ओहो, गिराड कह रहा, तो यार अब तुम्हें क्या लग रहा है, तुम मेरे साथ रहोगे क्या? भैया मैंने तो तुम्हें इनवाइट नहीं किया है, इतना ज्यादा पेन मत लो कि जो मेरे साथ रहोगे, मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया। इंट्रूडर, यू वॉन्ट बी हियर लॉन्ग, सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क। इंट्रूडर कहता, अरे बेटे तुझे क्या लग रहा है, तू यहाँ पर रहेगा क्या? यहाँ पे केवल मैं रहूंगा, तू नहीं रहेगा। गिरार, व्हाट डू यू मीन? क्या कहा सर आपने, क्या क्या कहना चाह रहे हो? दिस इज योर बिग सरप्राइज, आई एम गोइंग टू किल यू। चल बेटे तुझे बता ही देता हूँ, ऐसा बेटे तुझे जो अब तक मैं खिला रहा था ना, मैं यहाँ आया हूँ, आई एम गोइंग टू किल यू, तुझे मारने आया हूँ बेटा। गिराड, अ लिटिल हार्श इजंट इट? यार ऐसा करोगे क्या, तुम इतने रूड हो क्या? इंट्रूडर विद हैवी सार्केज्म, या आई विल बी सॉरी टू डू इट, आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू, बट इट जस्ट गॉट टू बी डन। फैंसी का मतलब है कि अच्छा अच्छा लगना। सार्केज्म होता है जैसे सपोज करो किसी किसी को आपने 5 बजे बुलाया, और वो आप उसने कहा मैं 5 बजे पहुंच जाऊंगा भाई पार्टी में, लेकिन फिर भी नहीं आया। अब वो 6 बज गए, अब वो 6 बजे आ रहा है, पार्टी खत्म होने वाली है, तब जैसे ही वो अंदर आता तो आप उसे कह देते, अरे भैया अभी क्यों आ रहा है, आ जाता 7-8 बजे आ जाता, अभी भी क्यों आ रहा है? तो ये क्या है, उल्टी तरह से किसी बात को कहना, सार्कास्म कहना। तो वो सार्कास्म यूज करता है और कहता है कि देखो मुझे तुम्हें मारते हुए दुख तो होगा, क्योंकि तुम अच्छे पर्सन हो, मुझे अच्छे लगते हो, पर क्या करें, और कुछ है भी नहीं, कोई चारा ही नहीं है। गिराड, वाई एड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स? इट्स अ ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग। अब गिराड उसे समझाता है, यार तू भाई तेरे ऑलरेडी तेरे पे क्राइम चल रहे हैं ज्वेलरी चोरी के, और तू उसमें मर्डर और जोड़ देगा तो बेटा ये तो तेरे लिए और ज्यादा खतरनाक होगा। तू सोच रहा कि मैं चैन की सांस लूंगा, यहाँ पे रह लेगा, लेकिन ये तो और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। इंट्रूडर, आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, आई हैव बीन हंटेड फॉर इनफ, आई एम वॉन्टेड फॉर मर्डर ऑलरेडी, एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस। इंट्रूडर कहता है, भैया मैं इतना पागल लग रहा हूँ क्या तुझे कि मैं ये सारी चीजें मजाक में करूंगा, ऑलरेडी मेरी तलाश चल रही है, पुलिस वालों को मेरी तलाश है, और रही बात इसकी, तो भैया मैं पहले ही एक मर्डर कर चुका हूँ, और चाहे मैं एक मर्डर कर दूं चाहे 10, अब फांसी तो एक ही बार लग सकती है, तो तू ये मत सोच कि तुझे मारने से मेरा कोई नुकसान होगा या मुझ पर 2 क्राइम के केस चलेंगे। विराट, यू आर प्लानिंग अ ग्रेजुअस डबल सो टू स्पीक। अब ग्रेजुअस डबल का मतलब है बिना किसी कारण के कुछ करना। गिराड कहता है, तुम यार ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हो बिना किसी कारण के? एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लूज, बट वॉट वॉट हैव यू टू गेन? चलो मैंने मान लिया तुम्हें लूज करने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि तुम खोने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि तुम ऑलरेडी एक मर्डर कर दोगे, चलो समझ में आ गए, लेकिन बेटे तुझे मिलेगा क्या मुझे मार के? इंट्रूडर, आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन, एज फॉर माई सेल्फ आई एम अ पुअर हंटेड रेट। अरे भैया तुझे मार के मुझे फ्रीडम मिलेगी, क्योंकि मुझे मेरी तो तलाश चल रही है। एज विंसेंट चार्ल्स गिराड, आई एम फ्री टू गो प्लेसेस एंड डू नथिंग। अब देखो यहाँ पे जो टर्निंग पॉइंट है वो खुलता है। गिराड कहता है कि मैं मार के मैं तेरी आइडेंटिटी ले लूंगा, तुझे मार के मैं खुद बन जाऊंगा विंसेंट चार्ल्स, और फिर तो मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ। आई कैन ईट वेल एंड स्लीप एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट एट द साइट ऑफ द कॉप। कॉप का मतलब होता है पुलिस। अब वो कह रहा है मैं कहीं पे भी खा सकता हूँ, सो सकता हूँ, चैन की जिंदगी बिता सकता हूँ, और फिर तो मुझे पुलिस वालों से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें मैं तुम्हारी वाली जिंदगी जीऊंगा फिर। गिराड, इन मोस्ट मेलो ड्रामाज द विलेन इज फुलिश इनफ टू डिले हिज किलिंग लॉन्ग इनफ टू बी फ्रस्ट्रेटेड, यू आर मच लकी। अब गिराड क्या कहता है कि यार ज्यादातर मेलो ड्रामा में ऐसा होता है कि जो विलेन है ना वो इतनी मूर्खता दिखाता है कि वो अपने जो जिसे वो मारना होता है वो मारता नहीं है उसे, और तुम तो और ज्यादा लकी हो, तुम अभी तक नहीं मरे हो। इंट्रूडर, आई एम ओके, आई हैव गॉट अ रीजन फॉर एवरीथिंग। अरे तुम्हें क्या लग रहा है बेटे, सबका सब चीज का मेरे पास एक रीजन है, आई हैव अ रीजन, कारण है। आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स गिराड, सी मैं
तुम्हें मारने के बाद कौन बन जाऊंगा, तुम्हारी वाली आइडेंटिटी ले लूंगा, विंसेंट बन जाऊंगा। आई हैव गॉट टू नो वॉट ही टॉक्स लाइक। अब मुझे तुमसे बात करके ये भी पता चल गया कि वो किस तरह से बातें करता है। नाउ आई नो दैट पॉस स्टफ कम्स ईजी। अब मुझे पॉस स्टफ का मतलब रिच, और जो तुम्हारी जो जायदाद वगैरह वो सब मेरी हो जाएगी, वो जो पॉस स्टफ है सब कुछ मेरा हो जाएगा। दिस इज मिस्टर वी सी ग्रोवर्ड स्पीकिंग। अब वो उसके सामने एक्टिंग करके बताता, देख मैं तेरी तरह बात कर सकता हूँ अब। पेंटोमाइम ऑफ फोनिंग, और वो पेंटोमाइम का मतलब नकल कर रहा है फोन पे बात करने की, इन इमिटेशन कल्चरल वॉइस, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से वो बात करता है, कौन, गिराड। एंड दैट्स नॉट ऑल, ही स्टैंड्स अप, गेट अप अ मिनट, गिराड स्टैंड्स, नाउ टेक अ लुक एट। अब वो कहता है बेटे देख तेरी तरह मुझे बात करने का स्टाइल भी आ गया, तो लोग कल को मुझ पर शक भी नहीं करेंगे, और तुम एक मिनट के लिए खड़े हो गए, गिराड से कहता है, वो खड़ा हो जाता है, दोनों लोग खड़े हो जाते हैं। यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव। अब वो कहता है, गिराड कहता है, पर जिस तरह से ठीक है तुम वो कर लो, लेकिन तुम मेरी तरह नहीं हो, मैंने कुछ अलग तरह के कपड़े पहनता हूँ, तुम अलग तरह के। इंट्रूडर, नो, वेल दैट गोज फॉर यू टू, आई हैव ओनली टू वेयर स्पेक्स एंड आई विल बी इनफ लाइक यू टू गेट अवे विद इट। अब इंट्रूडर कहता है बेटे कोई बात नहीं है, ये जो चश्मा तुमने लगाया हुआ है, इस तरह का चश्मा मैं लगाऊंगा तो बिल्कुल मैं तुम्हारी तरह ही दिखूंगा। गिराड, वॉट अबाउट योर क्लोथ्स, दे लेट यू डाउन इफ यू आर नॉट केयरफुल। अब वो कहता है ठीक है चल चश्मा लगा लेगा, लेकिन तुम्हारे कपड़े, तुम तो अजीब से कपड़े पहनते हो। वो कहता है कि कहीं ना कहीं तुम पकड़े जाओगे। इंट्रूडर, दैट वुड बी ऑल राइट, योर्स विल फिट मी फाइन। तो क्या हो गया बेटे, इसका भी इलाज है, जब तुम रहोगे नहीं तो तुम्हारे सारे कपड़े मैं पहन लूंगा, तेरे कपड़े मैं पहनूंगा। गिराड, दैट इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क। ठीक है चलो मान ली तुम्हारी बात, ये हो जाएगा, लेकिन तुम मेरी बात का एक पॉइंट मिस कर रहे हो। आई सेड यू आर लकियर देन मोस्ट मेलोड्रामेटिक विलेंस। तुमने समझा नहीं, मैंने कहा कि तुम लकियर थे ज्यादातर विलेंस से। इट वॉज नॉट अ ट्रिब्यूट टू योर इंटेलिजेंस। अरे मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा था। यू वॉन्ट किल मी फॉर अ गुड रीजन। तुम मुझे नहीं मारोगे क्योंकि एक रीजन है। अब देखो यहाँ पे गिराड क्या कर रहा है, गिराड वो इसे फंसाने की कोशिश कर रहा है, कैसे ना कैसे खुद भी बचना चाह रहा है, और उल्टा ये जो इंट्रूडर जो क्रिमिनल उसके घर में आया उसे ही फंसाने की कोशिश कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्या किया इसने। Gerard, you let me go and thank God you didn't shoot me sooner. So that's what you think, sorry. Intruder puts that, तुम्हें क्या लगता है? Gerard कहता है कि तुम मुझे जाने भी दोगे और thank God कि तुमने अभी तक मुझे नहीं मारा। Intruder, come on, what's your mind? Better be quick. This conversation bore me. अरे भैया तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, जल्दी बता यार, मैं खत्म करूंगा अपना काम, बहुत हो गया, अब मुझे सारे जो मुझे करना था वो मुझे मिल गया, अब तेरा मारने का टाइम आ रहा है, मुझे बोर मत कर। Gerard, your idea is to elude the police by killing me and taking on my identity. Gerard कहता है, देख तेरा आइडिया ये है कि तुझे लग रहा है कि तू मुझे मार के मेरी आइडेंटिटी लेगा लेगा और पुलिस से बचेगा। Intruder, yes, I like that. हाँ यही है मेरा आइडिया, यही सोच है मेरी। Gerard, but are you sure it's going to help you? पर तुम्हें लगता है कि इससे तुम बच जाओगे? Intruder, now listen here. I've got this all planned. I did a job in town. Things went wrong and I killed a cop. Since then, I have done nothing but those. अब इंट्रूडर कहता है यार पका मत मुझे, ये सब मैंने प्लानिंग का मेरे पार्ट है, मैं जॉब करता था टाउन में और वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई जहाँ पे मेरे हाथों एक पुलिस वाले का खून हो गया और तब से ही मैं भागता फिर रहा हूँ। गिराड, एंड दिस इज वेयर डोजिंग हैज ब्रॉट यू। और तुम्हें क्या लगता है डोजिंग की यानी भागते हुए जो तुम भागते फिर रहे हो उसकी वजह से तुम यहाँ आ गए हो? इंट्रूडर, इट ब्रॉट मी टू एलिसबरी, ये भी एक जगह का नाम है, That's where I saw you, और वहीं पे मैंने तुम्हें देखा था कार में। Two other people saw you and started to talk. दूसरे लोगों ने भी तुम्हें देखा था और उन्होंने बात करने शुरू कर दी। I listened, मैंने उनकी बातों को सुना। It looks like you are a bit queer, kind of mystery and man. और उनकी बातों से पता चला कि तुम भी थोड़े ना अजीब तरह के इंसान हो। गिराड, a mystery which I propose to explain. अब गिराड कहता, अरे यही तो बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, उस बात को तो सुन ले मेरे भाई। Intruder, disregarding him, मतलब इंट्रूडर उसकी बात पर कोई बिना बिना ध्यान देते हुए, you phone your orders and sometimes you go away suddenly and come back just the same, those are just the things I want to do. Hearing about you was one of the my luckiest break. और जब मैंने उन लोगों से तुम्हारे बारे में पता किया या तुम्हारी बात तुम्हारे बारे में सुना तो मुझे पता चला कि तुम ज़्यादातर फ़ोन पर बात करते हो, अपने ऑर्डर्स देते हो, अचानक से कहीं चले जाते हो, अचानक से वापस आ जाते हो, है ना, और यही चीज़ें और यही दोज आर जस्ट द थिंग्स आई वॉन्ट टू डू। और ऐसे ही तो मैं जीवन बिताना चाहता हूँ कि किसी को पता भी ना चले, मैं कभी भी कहीं भी चला जाऊँ, कहीं भी आ जाऊँ। हियरिंग अबाउट यू वॉज वन ऑफ माई लकीस्ट ब्रेक्स।
और तुम्हारे बारे में सुनना कहीं ना कहीं मेरे जीवन के लिए अच्छा ब्रेक था। क्यों? क्योंकि मैं इसी चीज से तो परेशान था, ऐसी जिंदगी से कि मैं भागता फिरूं, अब मैं कहीं पे भी आ सकता हूं, जा सकता हूं। गिराड, अपेरेंटली यू हैव द इंटेलिजेंस टू आस्क व्हाई आई एम इन्वेस्टेड इन दिस क्लोक ऑफ मिस्ट्री। अब वो कहता है, यार गिराट कहता है, यार तूने इतना दिमाग तो लगा लिया कि ठीक है तू ये सब कर लेगा, लेकिन कभी तूने ये सोचिया, ये सोचने की कोशिश करी कि मैं, मेरा ये जो रहस्य है कि मैं कहीं पे भी जाता हूँ, कहीं पे भी ज्यादा लोगों से नहीं मिलता, ऐसा कारण क्या है? इंट्रूडर प्रिपेयरिंग टू शूट, एज आई सेड बिफोर दिस कॉन्वर्सेशन, इंट्रूडर बिल्कुल शूट करने के लिए उसे रेडी हो रहा है। मैंने कहा, इंट्रूडर कहता है, भाई यार मैं बोर हो रहा हूँ तेरी बातों से, रहने दे मुझे मत। गिराट, डोंट बी अ फूल, इफ यू शूट यू विल हैंग फॉर श्योर, इफ नॉट एज योर सेल्फ देन एज विंटर चार्ल्स गिराट। अब गिराट कह रहा है कि मूर्ख मत बनो, अगर तुम मुझे शूट कर भी दोगे, मुझे मार भी दोगे और तुमने मेरी आइडेंटिटी ले भी ली ना, तो भी तुम गिरफ्तार हो जाओगे विंसेंट चार्ल्स गिराट के रूप में। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि आखिर ऐसी बात क्या है कि जो गिराट उसे ये कह रहा है कि मेरी मिस्त्री तुम्हें पता भी है, वो मिस्त्री क्या है। अब यहाँ पे गिराट क्या कर रहा है, इसे फंसाने की कोशिश कर रहा है, किसको? इंट्रूडर को, अपनी बातों में, झूठी झूठी बातों में। वो उसे दिखा रहा है कि अबे पगले, तू अगर यहाँ पे इसलिए रहना चाह रहा है, अकेले में जीवन बिताना चाह रहा है कि तू पुलिस वालों से बच जाए, तो तुझे मेरा रिकॉर्ड पता है क्या? मैं भी तो एक तरह का क्रिमिनल हूँ। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, अगर तूने मुझे मार भी दिया और तू विंसेंट बन गया, तो विंसेंट को भी तो पुलिस ढूंढ रही है पगले, मैं क्या खुशी से थोड़ी रहता हूँ यहाँ पे। इंट्रूडर, व्हाट इज दिस, हाँ क्या कहा तुमने? गिराड, दिस इज योर बिग सरप्राइज बेटे, ले तुम ही सरप्राइज दे सकते हो, तू भी सुन। आई सेड यू वॉन्ट किल मी एंड इट आई वॉज राइट, मैंने तो पहले कही थी तुम मुझे नहीं मारोगे और मैं सही था। वाई डू यू थिंक आई एम हियर टूडे एंड गॉन टूमारो, नेवर सी ट्रेड पीपल। अबे तुम्हें क्या लगता है कभी मैं यहाँ रहता हूँ, कभी कहीं चला जाता हूँ, किसी लोगों से नहीं मिलता, मुझे क्या मजा आता है क्या भाई? यू से माई हैबिट्स वुड सूट यू, यू आर अ क्रू, और तुमने कहा था कि मेरी हैबिट तुम्हें सूट करेंगी, तुम क्रिमिनल हो। डू यू थिंक आई एम ए संडे स्कूल टीचर? अरे भाई अगर तू क्रूक है ना, तू क्रिमिनल है, तो तुझे क्या लगता है मैं कोई टीचर हूँ क्या? संडे स्कूल टीचर का मतलब है मैं कोई ईमानदार आदमी लग रहा हूँ क्या? मैं भी तो भाई तेरी तरह चोर हूँ, और चोर चोर मोसेरे भाई होते हैं। द गेम इज अप, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड थिंग्स वेंट रॉन्ग विद मी, आई सेड इट विद बुलेट्स एंड गॉट अवे। देख भाई चीजें बिल्कुल क्लियर हैं, जैसे तेरे साथ कुछ ऐसे हुआ ऐसे ही मेरे साथ हुआ, मेरे हाथों से भी खून हो चुका है। देखो आई सेड इट विद बुलेट्स, मैंने बुलेट से कहा, यहाँ पे मतलब है कि मैंने भी गोलियां चलाई हुई हैं और उसी वजह से मैं छुपा हुआ फिर रहा हूँ। देखो ये ही स्टोरी है, यहाँ पे गिराट फंसाने की कोशिश कर रहा है किसको? इंट्रूडर को। एंड गॉट अवे, मैं भी भाग। अनफॉर्चुनेटली दे गॉट वन ऑफ माई मैन एंड फाउंड थिंग्स द फूल शुड हैव बर्न्ड। अब वो कह रहा है कि उन लोगों को यानी पुलिस वालों को मेरा एक आदमी पकड़ा गया था और उन्हें मेरे खिलाफ कुछ सबूत, फाउंड थिंग्स का मतलब उन्हें कुछ सबूत वगैरह मिल गए। द फूल शुड हैव बर्न्ड, कि उस पगले को, उस मूर्ख को जो आदमी पकड़ा गया था, वो जो सबूत मिले थे उसे जला देना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं जलाए। टू नाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल, और आज मुझे लग रहा है कि कुछ ट्रबल आने वाली है, यानी पुलिस वाले मुझे पकड़ने आने वाले हैं। माई बैग इज पैक्ड रेडी टू क्लियर ऑफ, देयर इट इज। देख ले, तुझे अगर यकीन नहीं हो रहा मेरी बातों पर, तो देख ले वहां पर मेरा बैग रेडी पड़ा है। ये वाली बात कह रहा है वो किसको? इंट्रूडर को। देख ले इंट्रूडर, It's a bag, all right, and this is a gun, all right. What's all this? अब वो कहता है इंट्रूडर, हाँ हाँ ठीक है, उधर बेटे वो तो मुझे दिख रहा है बैग में, लेकिन तुझे दिख रहा है ये घोड़ा दिख रहा है बेटा, गन मेरे हाथ में, ठीक है? गिराट, that's a disguise. What's all this? ये क्या है? इंट्रूडर कहता पर ये क्या है? गिराट कहता है, that's a disguise outfit, false mustaches and why not, and what not. Now do you believe me? अब disguise का मतलब होता है भेष बदलना। अब वो कहता है ये भेष बदलने वाले आउटफिट है, इन्हें पकड़ के, इन्हें पहन के मैं भेष बदल लेता हूँ अपना। अब तो मुझे मेरी बातों पे यकीन हो रहा है कि मैं क्रिमिनल हूँ कि नहीं है, समझ में आई मेरी बात? अगर मैं कोई सीधा साधा इंसान होता और तुझे लग रहा था ये सीधा साधा इंसान बन जाऊंगा, तुझे तो बेटे पुलिस मुझसे भी जल्दी पकड़ लेगी, आया बड़ा उस यार। इंट्रूडर म्यूजिंगली, आई डोंट नो ये चल क्या रहा है, पता नहीं। गिराट, फॉर गॉड्स सेक्स क्लियर दैट मडल हेड ऑफ योर्स एंड लेट्स गो, कम विद मी इन द कार। अब वो कहता है भगवान के लिए अब तो सुधर जा बेटे, अब ये जो कन्फ्यूजन है अब तो तुझे समझ आ गई होगी, मेरे साथ चल, दोनों भाग चलते हैं। कम विद मी, आई कैन यूज यू इफ यू फाइंड इट्स अ फ्रेम, यू हैव गॉट मी इन द कार एंड यू हैव स्टिल गॉट योर गन। अब जो गिराट है वो उससे कहता है दोनों हम लोग भाग चलते हैं कार के अंदर, और अगर तुझे ऐसा लगता है कि मैं तेरे साथ कोई चाल चल रहा हूँ, कोई तुझ पे कोई शिकंजा कस रहा हूँ, तेरे साथ कोई धोखा कर रहा हूँ, तो तेरे हाथ में गन है यार, मार दियो मुझे। इंट्रूडर,
मे बी यू आर राइट। अब इंट्रूडर उसकी बातों में कहीं ना कहीं आने लगा, थोड़ा बहुत फंस रहा है। हाँ यार हो सकता है तुम सही हो गिराट, देन डोंट वेस्ट टाइम, गोज अप एंड पिक्स अप हैट एंड बैग। वेस्ट मत करो। अब गिराट जाता जल्दी से अपनी हैट और बैग ले लेता है। इंट्रूडर, केयरफुल बॉस, आई एम वॉचिंग यू। अब इंट्रूडर कहता है, अभी भी उसे हल्का सा डाउट तो है, हालांकि उसकी बातों में आ गया है, बेटे ज्यादा। अब वो कहता है, केयरफुल रहियो, मैं देख रहा हूँ तुझे, हल्की सी भी तूने ज्यादा होशियारी दिखाई, तेरी खोपड़ी फाड़ दूंगा, मतलब गोली चला दूंगा। गिराट, आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड, ही विल रिंग इफ ही सीज द पुलिस। अब गिराट कहता है, मैंने अपने एक आदमी को काम पे लगा रखा है, अगर जैसे ही वो पुलिस को देखेगा वो मुझे फोन कर देगा। बट आई डोंट वॉन्ट टू लीव, लेकिन मेरा मन नहीं है जाने का। तभी टेलीफोन बेल बज, कम ऑन, दे आर आफ्टर अस। अब वो कहता, देख बेल बज गई, बेल बज गई, बेटे हमारे पीछे आ रहे हैं। थ्रू हियर स्ट्रेट टू द गैराज, चल यहाँ से, चल गैराज के, गैराज से होते हुए चल भाग चलते हैं। इंट्रूडर, हाउ डू आई नो वॉट आर यू टेलिंग द ट्रूथ। अब इंट्रूडर को अभी, अब उस पर भरोसा भी है नहीं भी है, हल्का हल्का भरोसा है, हल्का हल्का नहीं है। इंट्रूडर कहता, मैं तेरी बातों पर यकीन कैसे करूं। गिराट, ओह डोंट बी अ फूल, लुक एट योर सेल्फ। गिराट कहता, अब यार मूर्ख मत बन, अपने आप को देख। गिराट ओपन्स द डोर एंड स्टेप्स अवे। गिराट जल्दी से दरवाजा खोलता है और बाहर निकल जाता है, स्टेप्स अवे हटता वहां से। इंट्रूडर ली सॉरी गिराट ओपन्स द डोर एंड स्टेप्स अवे, वो दरवाजा खोलता है उसका और एक साइड में हट जाता है। इंट्रूडर लीन्स फॉरवर्ड, वो इंट्रूडर जो है, जो क्रिमिनल है, वो झुकता है अंदर देखने की तरफ, गैराज की तरफ, टू इंस्पेक्ट इट, देखने के लिए इसमें क्या है। विद हिज साइड टुवर्ड्स द गैराज, और वो अपनी जो मतलब, लेकिन अपना चेहरा गैराज की तरफ रखता है, कहने का मतलब वो देखता रहता है दोनों तरफ कि कहीं ये चाल ना चले। बट विद द रिवॉल्वर रेडी, एज ही टर्न्स हिज हेड, गैराज गिव्स हिम अ पुश इनटू द कबर्ड, नॉकिंग द रिवॉल्वर आउट ऑफ हिज हैंड। ओहो, यहाँ पर टर्निंग पॉइंट आ जाता है। जैसे वो अपना सिर घुमाता है दूसरी साइड वो देखने के लिए क्या है, तभी गिराट उसे धक्का दे देता है और वो गिर जाता है कबर्ड के अंदर। देखो यहाँ पे टर्निंग, कबर्ड का मतलब जिस चीज को वो कह रहा था कि इस यहाँ पे गैराज है, गैराज है, तो उसे लगता है गैराज होगी, लेकिन वो कबर्ड का मतलब होता है अलमारी, एक अलमारी होती है। और जैसे ही वो अलमारी की तरफ ऐसे मुंह करता है, तुरंत वो उसे धक्का दे देता है, नॉकिंग द रिवॉल्वर आउट ऑफ हिज हैंड, और उसके हाथ से रिवॉल्वर छीन लेता है या गिर जाती है। ही स्लैम्स द डोर एंड लॉक्स इट, और वो उस दरवाजे को बंद कर देता है और लॉक कर देता है। पिक्स अप द रिवॉल्वर एंड गोज टू द फोन। अब मामला पूरा उल्टा पड़ गया। यहाँ पे चाल चल दी थी गिराड ने उसे अपनी बातों में लेते हुए और अपने आप को ये दिखाते हुए कि भाई मैं भी क्रिमिनल हूँ, चल यहाँ से भाग चलते हैं। अब भाई जो बाहर से आया उसे क्या पता कि इधर गैराज है या क्या है, तो वो सोचता है तो गैराज का दरवाजा है, गैराज वगैरह होती है जहाँ पे कार वगैरह खड़ी, तो वो जैसे ही अंदर वो दरवाजा खोल देता है कि इधर गैराज है। जैसे ही वो गैराज की तरफ मुंह करता है, वो उसे धक्का दे देता है और रिवॉल्वर बाहर गिर जाती है, रिवॉल्वर ले लेता है और उसे बंद कर देता है। वो गैराज होती नहीं है, वो होती है एक अलमारी। इंट्रूडर रैटल्स द डोर, लेट मी आउट ऑफ हियर। अब वो दरवाजे पे, अब वो अंदर से खड़खड़ा रहा है, खोलो खोलो खोलो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अब गिराट गिराट फिर से, हेलो यस स्पीकिंग, सॉरी आई कैंट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम्स फॉर रिहर्सल। अब गिराट है फिर से फोन पे बात करता है किसी से, अरे अरे सॉरी मैं आपको प्रॉप्स नहीं दे पाया टाइम पे। प्रॉप्स होते हैं जैसे आपने देखा होगा कोई, अगर रामलीला वगैरह हो रही है तो उसमें हनुमान जी पूंछ लगाएंगे और नकली बाल लगाएंगे और गदा वगैरह यूज करेंगे, तलवार वगैरह, तो ये सब प्रॉप्स कहलाते हैं। तो वो, आई हैव हैड ए स्पॉट ऑफ बदर, क्वाइट अम्यूजिंग। अरे मेरे यार एक छोटी सी परेशान, ये वाली बात गिराट फोन पर बोल रहा है किसी को। एक्चुअली जो गिराट है वो कोई क्रिमिनल वगैरह कुछ भी नहीं है, वो प्ले राइट है, वो प्ले वगैरह लिखता है और एक्ट करवाता है, तो उसका यही काम है। लेकिन उसे कुछ प्रॉप्स वगैरह देने थे और वो जो नकली दाढ़ी मूछ वगैरह जो उसने दिखाई थी, वो उसने चाल चली थी कि भैया हम तो ये सब मैं भागने के लिए यूज करता हूँ, लेकिन वो एक्चुअली प्रॉप्स हैं उसके प्लेस के। तो अब वो किसी दूसरे को बता रहा है, यार वो टाइम पे नहीं दे पाया मैं तुझे, एक्चुअली एक छोटी सी परेशानी आ गई थी, आई थिंक आई विल पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले। अब वो उसे बता रहा है दूसरे पर्सन को फोन में कि आज जो, लेकिन जो परेशानी हुई ना, ये भी मेरे लिए कहानी है और इसे मैं अपनी अगले प्ले में डालूंगा। लिसन, कैन यू टेल योर फ्रेंड द सार्जेंट टू कम अप हियर एट वंस। अब सार्जेंट का मतलब होता है पुलिस। क्या तुम हमारे जो दोस्त है, हमारा जो दोस्त है पुलिस में जो है, उसे बता सक, उसे ये कह सकते हो कि यहाँ पे तुरंत आ जाए। एडवांस का मतलब है तुरंत। अब उसे बताता है गिराट जो फोन पे जो पर्सन है कि यू विल प्रोबेबली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार, वो तुम्हें पब्लिक बार में मिलेगा। कौन? सार्जेंट। और यहीं पे हो जाती है स्टोरी खत्म। तो जो स्टोरी है इसमें जो क्या दिखाया गया है कि जो गिराट है उसने अपनी समझ से, सूझबूझ से
मतलब एक जो ऐसी परिस्थिति आई जहां पे वो मर सकता था, वो सह सकता था, लेकिन उसे अपनी बातों में फंसा के पूरी तरह से। तो कहीं ना कहीं मोरल भी हमें समझ में आता है कि अगर कोई परेशानी आए जीवन में तो घबराना नहीं चाहिए, अपनी समझ से अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए, जैसे कि इसने लिया। तो आई होप चिल्ड्रन कि आपको ये जो स्टोरी है समझ में आ गई होगी।